गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक मनमोहन साहेबट्टी ने बीजेपी में शामिल होने और बीजेपी के टिकट पर छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया। छिंदवाड़ा में विरोध के सुर बुलंद होने लगे। बीजेपी के अमरवाड़ा विधायक रहे प्रेम ठाकुर के बेटे उत्तम ठाकुर ने मनमोहन साहेबट्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी। वहीं माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं के विरोध के चलते पार्टी की प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बट्टी को शामिल करने का फैसला फिलहाल टाल दिया है और यही कारण है कि छिंदवाड़ा लोकसभा और विधानसभा दोनों के टिकट का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। बट्टी ने दो दिन पहले बीजेपी में जाने का ऐलान किया था लेकिन अभी तक उनकी विधिवत बीजेपी में एंट्री नहीं हो सकी है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर पार्टी में ज़्यादा विरोध हुआ तो बट्टी का बीजेपी में शामिल होना और टिकट मिलने पर भी तलवार लटक सकती है। फिलहाल आपको बता रहे हैं कि बट्टी के विधानसभा क्षेत्र है अमरवाड़ा के बीजेपी नेताओं ने बट्टी पर क्या आरोप लगाए हैं। जो व्यक्ति आदिवासियों को बरगलाए, जो व्यक्ति भगवान राम को न माने, रावण की पूजा करे, रावण का मंदिर बनाए, जिसने अमरवाड़ा के पास में खावड़ी एक जगह है वहाँ पे रामायण जलवाई, तो ऐसे व्यक्ति की भाजपा में कोई जगह नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हम अपनी बात पार्टी संगठन में, प्रदेश में सभी हमारे नेताओं के पास रख रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सभी जगह से बहुत निराश है कि ऐसे व्यक्ति की अगर ज्वाइनिंग होगी तो उसका संदेश गलत जाएगा। वही प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रहती है किसी भी चुनाव में, तो अच्छा प्रत्याशी रहता है तो पार्टी की जीत की संभावना जाती ही रहती है। और जब ऐसा व्यक्ति आएगा जो कि हिंदू विरोधी हो, जो धर्म विरोधी हो और जो भारतीय जनता पार्टी में आके चुनाव लड़ेगा, तो उससे कार्यकर्ता काम करेगा नहीं, कार्यकर्ता निराश रहेगा, तो बूथ पे उसका असर होगा और उसके कारण नुकसान भाजपा को होगा जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। स्वाभाविक से प्रत्याशी चयन बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है किसी भी चुनाव में। तो मुझे लगता है कि अगर गलत व्यक्ति को टिकट मिलती है तो उसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। हालांकि जानकारों का कहना है कि मनमोहन साहेबट्टी पर जो नेता अवसरवादी होने का आरोप लगा रहे हैं वो खुद को दूध का धुला नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी कभी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। और सबसे खास बात, उत्तम ठाकुर के पिता प्रेमलाल ठाकुर अमरवाड़ा 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत नहीं दर्ज कर पाए थे और उनसे ज़्यादा वोट मनमोहन साहेबट्टी को मिले थे और बट्टी दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसे में ठाकुर और उनके समर्थकों का बट्टी का विरोध करना कितना जायज़ है और इस पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी क्या एक्शन लेते हैं, यह देखने वाली बात है।